कोरबा जिला एक औद्योगिक नगरी है और पूरा शहर संयंत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में अवैध कबाड़ का कारोबार खूब फल फूल रहा है। कोरबा में अवैध कबाड़ का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इस पर अंकुश लगाने पुलिस विभाग तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कबाड़ का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राताखार रोड से अवैध कबाड़ से भरे दो ट्रकों का परिवहन हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम राताखार रोड पर नाकाबंदी किया। इस दौरान ट्रक को रोकवा कर जांच की गई तो अवैध कबाड़ भरा हुआ था। कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि दो ट्रकों में 3,30,300 क्विंटल अवैध कबाड़ जब्त किया गया है। बताया जा रहा कि अवैध कबाड़ कोरबा से पड़ोसी जिला में खपाने के फिराक में थे। कुछ दिनों पहले भी जांजगीर चांपा पुलिस ने कोरबा कनकी निवासी दो युवकों को अवैध कबाड़ का परिवहन करते पकड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औद्योगिक नगरी कोरबा में अवैध कबाड़ का कालो कारोबार किस कदर चल रहा है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो ट्रक कबाड़ से भरा हुआ है। इस दौरान राताखार बस्ती के पास घेराबंदी कर तलाशी ली गई। इस दौरान 300 क्विंटल लगभग 4,00,000 क्विंटल कबाड़ जब्त किया गया है, जो पड़ोसी जिला में खपाने के फिराक में रहे थे। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज।